नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं शादी के मामले न्याजी। शादी के मामले न्याजी आज नगर पंचायत चौकता से पहले ये देखें आप। आगामी चुनाव को देखते हुए आज रोहतास थाना की टीम ने नगर पंचायत रोहतास के सरहद पर आने जाने वाले हर एक वाहनों को चेक किया। 18 वाहनों का यहां पर चालान काटा गया। चला रहा है। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ, ये देवीपुर का ये घाट है। यहाँ से झारखंड लोग ज़्यादातर यहाँ से सफ़र करते हैं और वो भी जुगाड़ गाड़ी के सहारे, नाव के ज़रिए यहाँ से लोग झारखंड की ओर जाते हैं। काफ़ी लोग ये सरहद को पार करते हैं और झारखंड से बिहार, बिहार से झारखंड लोग जाते हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ अभियान। जो भी आ रहे हैं यात्री यहाँ पर, उनके बैग को, ट्रॉली बैग को, उनके जो सामान है उनके सामान को स्वच्छ किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। आगामी चुनाव को लेकर हर इलाके में और हर बॉर्डर पे इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा, पहली तस्वीर देखा मैंने कि नगर पंचायत रोहतास के सरहद पर भी इस तरह का अभियान चल रहा है। दूसरी तस्वीर नाहटा प्रखंड के देवीपुर के घाट पर भी इस तरह का अभियान चल रहा है। तो आइए मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। नाहटा पुलिस की जानिब से एक बेहतर कार्य किया गया है। सबसे बड़ी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर उनके लिए पानी का भी, ठंडे पानी का भी इंतजाम रखा गया है आने वाले यात्रियों के लिए। इस तरह से चेयर लगा हुआ है, इस तरह से चेयर भी रखा हुआ है। ये काफ़ी काबिल तारीफ काम है हमारे नाहटा की जो प्रशासन है। और आने वाले यानी कि जो झारखंड से यहाँ बिहार में लोग हैं उनको इस तरह से यहाँ पे सर्च किया जाता है और बाइज्जत उन्हें पानी उन्हें पिला कर यहाँ से भेजा जाता है। ORS का पाउडर भी रखा हुआ है। तो ये बेहतर तरीका है हमारे नाहटा के प्रशासन की ओर से। आइए मैं बात करता हूँ जो आज यहाँ पर अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। चुनाव नज़दीक आने वाला है तो संदेहात्मक वस्तु इधर से उधर न हो, या अंतर्राज्यीय सीमा भी पड़ता है, इसके बाद उधर झारखंड पड़ जाता है नदी की उस तरफ। तो यहाँ पर हमारा पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल एवं दंडाधिकारी महोदय रहते हैं, मतलब 3 शिफ्ट में 24 आवर यहाँ पर चेकिंग करते हैं आने जाने वाले लोगों जो संदेहा तो रहता है। ये बात तो है। देखिए, चेकिंग के साथ साथ क्या है ना कि उन लोगों का भी हौसला और हिम्मत बढ़ता है कि शाम में भी यहाँ पुलिस वाले हैं, आते हैं, उतरते हैं, आराम से जाते हैं। उनको मन में संदेह नहीं लगता कि हम अकेले हैं, उनके साथ भी पुलिस वाले यहाँ पर हैं। हम आपकी बात को वरीय पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे कि चुनाव के बाद भी ये अभियान जारी रहे, इस तरह से लोगों का मतलब चेकिंग और सुरक्षा दोनों मिलता रहे। सर, आगामी चुनाव जो आने वाला है उसके लेकर कुछ अपील करना चाहेंगे? शांतिपूर्ण जनता से चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग घर से बाहर निकल करके मतदान करें। मतदान करना उनका हक है। धूप का परवाह ना करें, खाना बाद में खाएं, लेकिन पहले जाकर मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।